नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। আমরা রূপনারায়ণপুর বাজার ভিজিট করলাম। মার্কেটে এখন অ্যাবনর্মাল প্রাইস, ভেজিটেবলস, পটেটো, অনিয়ন্স এইসব নিয়ে আমাদের কাছে কমপ্লেন আসছে। সেটার কারণ কি সেটা খুঁজে দেখলাম এবং মাত্রা ছাড়া দাম যাতে না হয় সেই জন্য যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা সেটা নিচ্ছি। এবং আরও যেটা দেখলাম, আমাদের কাছে দীর্ঘদিনের অভিযোগ কাঁটা বাটখারা নিয়ে, সেগুলোও আমরা চেক করলাম। আমাদের সঙ্গে মেট্রোলজি ডিপার্টমেন্টের অফিসার রয়েছেন, আমরা কিছু বাটখারা সিজ করেছি, অনেক গলদ পাওয়া গেছে, অনেকগুলোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, বাকিদের নাম ঠিকানা সমস্ত আমরা তুলে নিয়েছি, তাদেরকে অফিসে ডেকে তাদের মেশিনগুলো ক্যালিব্রেশন করার ব্যবস্থা করছি, না হলে আমরা যা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সেগুলো নেব। আজকে দেখা গেলো অনেকটাই গাফিলতি পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, এই বিষয়টা কীভাবে গাফিলতি পাওয়া গেছে? দেখুন, সরকারের ম্যান পাওয়ার কম আছে, আমরা আমাদের সীমিত ম্যান পাওয়ার নিয়েও সারা জেলাটাকে কভার করছি, ফলে কিছুটা গাফিলতি তো আছেই, অস্বীকার তো করা যাবে না, সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এটা কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হলো? এটা এগ্রিকালচার মার্কেটিং, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে, এতে ফুড ডিপার্টমেন্টের অফিসার আছে, এগ্রিকালচার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের অফিসার আছে, আরএমসি রয়েছে, লিগাল মেট্রোলজি রয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদেরকে নিয়ে উনি একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন, আমরা সবকটা ডিপার্টমেন্ট এই টাস্ক ফোর্স হিসাবে কাজ করছি। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে আলুর দাম নিয়ে বারবার, আলুর দামটা কি দেখলেন আপনারা? আলুর দামটা গত দু সপ্তাহ আগে যা ছিল তার চেয়ে কিছুটা কমেছে, এখনও যতটা নামা দরকার ততটা নামেনি। এটার কারণ হচ্ছে বর্ধমানে স্থানীয়ভাবে কিছু লকডাউন চলছে, ফলে স্টোর থেকে যে হারে আলু ক্লিয়ার হওয়া দরকার সেটা না হওয়ায় সাপ্লাই কম থাকায় দামটা একটু চড়া, এটা আশা করছি খুব দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, সুফল বাংলা থেকে কী কিছু ব্যবস্থা? সুফল বাংলা থেকে আমরা আলু বিক্রি করেছিলাম 25 টাকা কিলো দরে, সেটা যথেষ্ট ভালো সাড়া পাওয়া গেছে, সেটাও আমরা চেষ্টা করছি আরও বেশি করে যাতে সারা জেলা জুড়ে করা যায়। কী নাম? আমার নাম শুভ্রাংশু সিংহ রায়, পরিচয়টা সেক্রেটারি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি। नमस्कार, मेरा नाम सोनी खातून है। एफएम पटल पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वर्धमान यूनिवर्सिटी के एमए की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष, वैसे तो प्रेमचंद कथा साहित्य से पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन फिर भी मैं उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के प्रमुख पात्र भूरी का चरित्र चित्रण करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। गोदान का प्रधान पात्र भूरी अवध प्रांत के एक ग्राम बेलारी का 5 बीघे का कृषक है। प्रेमचंद जी ने होरी के रूप में एक अमर पात्र की सृष्टि की है, जो भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। होरी के चरित्र में उपलब्ध 2 गुण, उसकी शाश्वत गरीबी और परिष्कृत करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति, वास्तव में प्रेमचंद के अपने व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। इसी प्रकार प्रो मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने विचारों को इस उपन्यास में अभिव्यक्त किया है। होरी को अपने वर्तमान जीवन में प्राय उन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ा जो एक सामान्य भारतीय कृषक के जीवन में रहती हैं। होरी राय साहब का आसामी है और भाग्यवादी है। होरी व्यवहार कुशल है, जब तब राय साहब को सलाम करने उनके यहाँ आता जाता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जब हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है तब अकड़कर निर्वाह नहीं हो सकता। होरी निहायत ईमानदार, परोपकारी एवं सीधा साधा कृषक है, किंतु उसमें भी वे दुर्गुण है जो एक सामान्य कृषक में होते हैं। वह पक्का स्वार्थी भी है, बांस बेचते समय कुछ ही पैसे के लिए अपने भाई का हिस्सा मारने हेतु बंसौर से सौदा करता है। अन्य किसानों की भांति वह भी रुई में बेनोल मिला देता है, सन को गीला करता है तथा घर में कुछ रुपए होते हुए भी रुपए न होने की बात कहकर झूठ बोलता है। होरी की धर्म विरुता, भाग्यवादिता और व्यवहार कुशलता एक साधारण कृषक जैसे ही है।
आर्थिक अभाव से ग्रस्त हो रही, कर्ज एवं ऋण ग्रस्त होते हुए भी बोझ में दबा हुआ है और शोषण का शिकार है। प्राचीन मान्यताओं, संस्कारों एवं रूढ़ियों में जकड़ा हुआ होरी समाज एवं बिरादरी से इतना डरता है कि जब झुनिया के प्रकरण से बिरादरी उसे दंड देते हैं तो वह अपना हुक्का पानी खुलवाने के लिए अपनी सारी उपज ढूंढ होकर पंचों को दे देता है और दंड के रुपये देने हेतु कर्ज लेता है। होरी की एकमात्र अभिलाषा थी कि उसके पास एक गाय हो। गाय उसके लिए प्रतिष्ठा की वस्तु है, इसलिए जब उसे भोला ने गाय उधार में दे दी तो उसे धनिया के विरोध के बावजूद वह घर पर बांधता है। इससे बस हीरा ने गाय को विष खिला दिया और गाय का गोरस पाने की होरी की लालसा धरी की धरी रह गई। किसान के जीवन की यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि वह अपनी छोटी सी अभिलाषा को भी जीवन में पूरा नहीं कर पाया और मृत्यु के अवसर पर उसे गोदान के लिए कहा जाता है। होरी परिवार की मर्यादा का रक्षक है। वह जानता है कि हीरा ने उसकी गाय को जहर देकर मार दिया है, किंतु इस बात को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। भले ही होरी को जीवन प्रयत्न आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा, तथापि उसने मानवता का त्याग कभी नहीं किया और अनैतिक आचरण से सदैव दूर रहा। अंत में मजदूरी करके उसे अपना जीवन यापन करना पड़ा और अत्यधिक श्रम के कारण उसे लू लग गई और काम करते करते अन्यथा होरी का देहांत हो गया। प्रेमचंद ने होरी को होरी के रूप में चित्रित नहीं किया है। होरी में परंपरागत नायक तत्व की कोई भी पहचान शेष नहीं है, क्योंकि ना तो वह धीरोदत्त गुणों से संपन्न है और ना ही उसे अंतिम फल की प्राप्ति होती है। भले ही होरी वर्ग चरित्र हो, किंतु कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, किंतु उसकी व्यक्ति के रूप में एक अलग ही पहचान है और वह है उसकी मनुष्यता, जिसका परिणाम देने वाली कई घटनाएं गोदान में है। होरी समर्गता एक भाग्यवादी किसान है जो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्थिरता प्रज्ञा की भांति झेलता है। उसका सबसे बड़ा गुण है स्वयं संकटग्रस्त होते हुए भी निराशितों को आश्रय देना। वह जानता है कि झुनिया और सिलिया को शरण देने से उनके जीवन पर विपत्ति आएगी, किंतु अपनी पत्नी धनिया के साथ मिलकर वह उसे आश्रय देता है। उसका मानवतावादी दृष्टिकोण अत्यंत प्रशंसनीय है। निश्चय ही होरी प्रेमचंद की अमर सृष्टि है और जब तक प्रेमचंद का नाम रहेगा तब तक होरी को भी स्मरण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।